महोत्सव 2021 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन कर रहे हैं। सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। माउंट आबू में आज से शरद महोत्सव शुरू और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी वीसी के जरिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शरद महोत्सव की, जिसका आगाज नए साल की जश्न के साथ माउंट आबू में किया जा रहा है और टेरेस मुख्यमंत्री वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर आएगी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज के समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसकी बुनियाद रखी जाएगी। यू भी पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक है। नक्की झील उनका पसंदीदा है सैरगाह और अब अनुरोध माननीय से इसके बुनियाद कार्य के लिए वर्चुअल शिलान्यास। संदेह हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये रमणीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में जब विकसित होगा किचन गार्डन तो इसकी खूबसूरती में इसके सौंदर्य में और अभिवृद्धि करेगा। यूं भी हम सभी को फक्र है कि पर्यटन में राजस्थान पूरे देश में कई अवार्ड्स का हकदार बना है। चाहे हम बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें या बेस्ट रोड ट्रिप के लिए डेस्टिनेशन की या बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन की, सब कुछ अनूठा, सब कुछ अनुपम है राजस्थान में। यहाँ है उत्सवों की अनगिनत श्रृंखला, सौंदर्य का शाश्वत आख्यान है राजस्थान और यहीं लगभग 3 दशकों से एक ऐसा महोत्सव जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो है सिरोही जिले के माउंट आबू का शरद महोत्सव। अब समय शरद महोत्सव 2021 के आगाज का और इसके लिए हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से एक बार फिर गुजारिश, आप इसका विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें माननीय।
देखते हैं इसी पर एक वीडियो। संपूर्ण विश्व में पर्यटन, धार्मिक और शिक्षा की नगरी से पहचान रखने वाली अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रख्यात आबू पर्वत 29 दिसंबर शाम 7 बजे से अरावली रंगमंच पोलो ग्राउंड में शरद महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। शरद महोत्सव वर्षों से चला आ रहा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन नगर पालिका आबू पर्वत, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सिरोही द्वारा किया जाता है। इस बार महोत्सव में विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास और अन्य कवियों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। दिखाते हैं साथी हमारे आए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत सत्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 दिवसीय 3 दिवसीय समारोह बहुत शानदार तरीके से संपन्न होंगे। जैसा मेरे पूर्व में अभी विश्वनाथ सिंह जी धारीवाल जी बता रहे थे किस प्रकार से राजस्थान में टूरिज्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं, और उसी कड़ी के अंदर जो आज के आयोजन हुए हैं आपके, एक तरफ तो शरद महोत्सव का उद्घाटन हुआ, साथ में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, किचन गार्डन और 5 करोड़ लागत से पार्किंग टेरेस गार्डन का शिलान्यास हुआ, पेवेलियन में महात्मा गांधी के नाम से पुस्तकालय का उद्घाटन, विभिन्न गतिविधियां संपन्न की गई। और मुझे प्रसन्नता है कि एकमात्र राजस्थान का ये माउंट आबू हिल स्टेशन है। इसमें कई तरह की समस्या भी आती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी, और कई तरह के यहाँ पर नगर पालिका परिषद और एटीएम स्तर पर भी कई फैसले होते हैं, पब्लिक को तकलीफ भी होती है, पर फिर भी मैं इस मौके पर विश्वास दिलाऊंगा कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कैसे आने वाले वक्त में UDH और हमारी लोकल सेल गवर्नमेंट धारीवाल जी और विश्वेंद्र सिंह जी मिलकर के ऐसी योजना बनाए जिससे कि इसका चौमुखी विकास और संभव हो सके। जरूरत पड़ी तो मैं खुद धारीवाल जी को और विश्वेंद्र सिंह लेके आऊंगा माउंट आबू में, तो उसी बहाने एक बार बैठ के वहाँ मीटिंग करनी बाकी है हमारी। मेरे ख्याल से वार्षिक मीटिंग होनी चाहिए, वार्षिक मीटिंग होनी चाहिए, वो मीटिंग होती नहीं कभी। 2016 में हुई थी, उसके बारे में मैंने भी एक मीटिंग कही थी माउंट आबू में जाकर, फिर वसुंधरा जी ने करी होगी, पर मैं चाहूंगा कि मीटिंग एक साल में कम से कम एक बार तो हो, कभी जयपुर में हो जाए, कभी माउंट आबू में हो जाए। तो जब मीटिंग करेंगे सब जनप्रतिनिधि बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे, तो कोई कोई फैसले होंगे। माउंट आबू वासियों की अलग तरह की समस्याएं हैं, उनके निर्माण को लेकर के, उनके रिपेयर को लेकर के, अलॉटमेंट को लेकर के, फिर इलीगली बहुत होता है फिर, और उसमें फिर मुकदमा।